हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मीशो से एक और शॉपिंग का हॉल वीडियो, जिसमें मैं आप सबके साथ में ज्वेलरी एंड कुछ रैंडम मीशो से मैंने ली हुई आइटम्स एंड आउटफिट्स शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें रहेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी के इंडिविजुअल लिंक्स तो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। हॉल पैक का एक सिंगल लिंक रहेगा जिसमें आपको सारी चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सारे आउटफिट के लिंक्स आपको सिंगल लिंक में मिल जाएंगे। तो आज जो है ना, मैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वेलरी देखते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं अपने हॉल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लिया है, ये मैंने पिक करा है, आई थिंक ये इयररिंग है। तो मैंने जो है ना मीशो से झुमके ऑर्डर करे थे, मैंने काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑर्डर किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी फेस्टिवल का टाइम तो चल ही रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से झुमके मैंने ऑर्डर करे थे। मरून एंड ग्रीन कलर का स्टोन वर्क है, पर्ल की डिटेलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं। आप दोनों साइड से इनको देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है एंड बहुत लाइट वेटेड है। तो अगर आपको इस टाइप के झुमके झुमका पसंद है ना, तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करो। नेक्स्ट मैंने लिए थे गिफ्टिंग बैग। तो यहाँ पे ये जो है ना रोज़ गोल्ड कलर में मैंने ये गिफ्टिंग बैग्स लिए थे। तो अगर आप कहीं पे कोई फंक्शन में जा रहे हो किसी के, तो आप इस टाइप की गिफ्टिंग बैग्स में जो है ना जो भी आप गिफ्ट कर रहे हो वो आप ले जा सकते हो। वैसे ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, आपको छोटे साइज़ भी मिल जाएंगे, तो मैंने ये लिए। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट आए हैं, साइजेस सेम है, डिफरेंट तो कुछ नहीं है वैसे, तीनों एक साइज़ के हैं, एक जैसे हैं, कलर में सेम है, तो लुक इनका काफ़ी अच्छा आता है, क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। तो अगर आप गिफ्टिंग के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट को कंसीडर कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। छोटा साइज चाहिए तो आपको बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर आप इस टाइप की चीज़ें और देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आप सबके साथ में शेयर करूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया था एक वॉल हैंगिंग, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था। तो ये कुछ इस टाइप का है, ड्रीम बिग बी पॉजिटिव एंड वेक अप एंड बी ऑसम अवॉइड नेगेटिविटी। तो ये काफ़ी अच्छे कोट इसमें मेंशन है, जो कि आपको डेली रिपीट करने चाहिए। तो ये मैंने लिया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, आप इसको घर के बाहर में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में आराम से लगा सकते हो, बैल्कनी में भी लगा सकते हो अगर आपकी बैल्कनी में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, क्योंकि धूप में ये क्या होगा, कलर डिसकलर हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, तो डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम बात करेंगे अपने सारे आउटफिट के बारे में। मेरा जो गला है ना, वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी खांसी वगैरह चल रही है, तो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिले। फर्स्ट जो आउटफिट मैं शेयर करने वाली हूँ, वो रहेगा हमारा प्यारा सा कॉर्ड सेट। तो ये वाइट कलर में है, प्रिंटेड कॉर्ड सेट रहता है। तो मैंने जब इसको मीशो पे देखा, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने इसको पिक करा। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये काइंड ऑफ कॉर्ड सेट है, बट कुर्ता जो है इसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रहता है, पूरा प्रिंट में आएगा, आप देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको प्रिंट में मिलता है। ये फ्रंट साइड में नीचे की तरफ आपको लेस का डिटेलिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पहनने पर कंफर्टेबल है एंड आप इसको रेगुलर वॉश भी कर सकते हो। इसका जो मटेरियल है ब्लेंड फैब्रिक है, थोड़ा पॉलिस्टर भी इसमें मिक्स रहता है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हो, क्योंकि पॉलिस्टर मिक्स है बट थोड़ा सा शाइन है, ऐसे फैब्रिक पूरा पॉलिस्टर का नहीं है। और यहाँ पे इसका बॉटम आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, प्रिंटेड बॉटम है, बट इसमें एक दिक्कत है कि ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है इसमें, बहुत ही एकदम लिमिट का फ्लेयर आपको मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है थाइज और लेग्स आपके थोड़े हैवी है, तो ये आपको बॉटम टाइट रहेगा, अदरवाइज आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हो। साइज़ जो मैंने इसमें लिया है, वो मैंने एक्सेल साइज लिया है। नेक्स्ट जो मैंने पिक करा था, वो मैंने लिया था एक प्यारा सा सूट मरून कलर का। तो ये जो सूट है ना, ये रेयॉन के फैब्रिक में आएगा बेसिकली, बट इसमें क्या है, इसमें आपको बेसिकली पूरा मिलता है फॉयल प्रिंट, नेक पे आपको जो है ना थ्रेडवर्क मिल जाएगा गोल्डन टोन में, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, स्लीव्स में बॉर्डर पे भी आपको गोल्डन टोन में जो है ना थ्रेड का एंड सीक्वेंस का डिटेलिंग मिलता है, बट जो पूरा कुर्ता रहता है इसमें फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको फॉयल प्रिंट ही मिलेगा। नीचे आपको एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर मिल जाएगा, जिसमें एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का डिटेलिंग रहेगा। ये बॉर्डर सिर्फ आपको फ्रंट साइड में मिलता है, बैक साइड से ही अगेन पूरा फॉयल प्रिंट रहेगा। तो अगर आप फॉयल प्रिंट में कंफर्टेबल हो तो ही आप इसको पिक करो, अदरवाइज आप इसको, साथ में आपको मिलता है इसका ट्राउज़र, जो कि रेयॉन के फैब्रिक का आएगा, कुछ इस टाइप का ट्राउज़र रहेगा।
इसमें भी मैं आपको बता दूं फ्लेयर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, मतलब एकदम स्लिम फिट जैसा बनाया गया है। ट्राउजर बेसिकली रेयॉन का है, बट एकदम स्लिम फिट होने की वजह से मैं बोलूंगी अगर आपको ऐसा लगता है आपके लेग्स थोड़े हैवी है तो ये बिल्कुल आप पहन नहीं सकोगे, तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहूंगी इस आउटफिट को आप स्किप कर सकते हो। यहाँ में आपको मिलेगा शिफॉन का दुपट्टा, जिसमें आपको अगेन पूरा इसमें जो है ना आपको फॉइल वर्क ही मिलता है, बेसिकली पूरा फॉइल प्रिंट का ही ये पूरा ड्रेस रहता है। तो फॉइल प्रिंट का ऐसा होता है कि 10-15 वॉश के बाद में निकल भी सकता है, काला पड़ सकता है, पड़े पड़े भी कई बार फॉइल प्रिंट ब्लैक हो जाता है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस आउटफिट को परचेस करो। तो नेक्स्ट जो आउटफिट मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक प्यारा सा सूट है, एंड मैंने इसको मीशो पे देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको पिक करते हैं। सो यहाँ पे ये पूरा कॉटन का सूट रहेगा, अंगरखा नेक आपको मिलता है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है नेक पे, एंड वैसे ये पूरा प्रिंट में आता है। साइज मैंने इसमें लिया है एक्सेल, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा। इसमें पूरा आपको अनारकली पैटर्न मिलता है, आप देख सकते हो फ्लोर लेंथ कुर्ता आएगा, कॉटन का है, अनारकली पूरा पैटर्न मिलता है आपको, फ्लेयर वगैरह सब कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। एंड अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है यानी कि 5.5 से ऊपर है तो आपके ऊपर इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ में जो बॉटम आएगा इसमें आपको फ्लेयर आपको अच्छा मिलता है, एंकल लेंथ बॉटम रहेगा, प्रिंटेड आएगा, फ्लेयर आपको सही मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इलास्टिक मिलता है, इसमें आपको कोई पॉकेट वगैरह नहीं मिलेगा बट क्वालिटी अच्छी आपको मिल जाती है। दुपट्टा जो आपको मिलेगा वो रहेगा ब्लू कलर में, प्रिंटेड दुपट्टा आएगा और पूरा बेसिक कॉटन का दुपट्टा रहेगा, लेंथ आपको दुपट्टे में भी प्रॉपर मिल जाती है। देखो तो मैं कहूँगी ये वाला सूट आप डेफिनेटली बाय करो, बहुत ही पसंद आएगा आपको। वैसे दिखने में पूरा प्रिंटेड है बट लुक इसका बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, तो इसीलिए मैंने इसको बाय करा। नेक्स्ट जो सूट मैं शेयर करने वाली हूँ ये ब्लू कलर का है, इसका जो फैब्रिक है ना साटिन फिनिश जैसा इसका फैब्रिक रहता है, बहुत ही प्यारी शाइन है इस फैब्रिक में। यहाँ पे आप देखोगे नेक पे आपको वी शेप में नेक मिलता है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा, कुर्ते में भी आपको काफ़ी अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी का बूटे बनाया हुआ मिलेगा। इस कुर्ते में आपको अंदर लाइनिंग मिल जाता है, बैक साइड से पूरा प्लेन रहेगा, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, पूरा इसमें एम्ब्रॉयडरी का आपको जो है ना वर्क मिलता है। आप देखोगे यहाँ पे पूरा यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा, क्वालिटी अच्छी आपको मिल जाती है। साइज मैंने इसमें एक्सेल लिया हुआ है। इसमें आपको जो बॉटम मिलेगा ये कुछ इस टाइप का रहेगा, इसमें आपको फ्लेयर इसमें भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलता है, यू कैन सी काफ़ी प्यारा एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको मिलता है। ट्राउजर में फ्लेयर भी बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, पॉकेट इसमें भी आपको नहीं मिलती है। साथ में आपको मिलेगा साटिन के फिनिश का ये दुपट्टा जो कि है वैसे ऑर्गेन्जा का, इसमें पूरा आप देख सकते हो पूरा एम्ब्रॉयडरी का आपको डिटेलिंग मिलता है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहनने पर सुपर कंफर्टेबल है। साइज जो मैंने लिया है वो मैंने एक्सेल साइज लिया है, मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ नहीं हो रही है, एक्चुअली तकलीफ खांसी की होती है क्योंकि बोलते वक्त खांसी आ जाती है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू जब बोल रही हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, बट वैसे फीवर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो मैंने कुर्ता सेट लिया है ये बोतल ग्रीन कलर में मैंने लिया है, जिसमें आपको पूरा वाइट लेस का डिटेलिंग मिलेगा। वैसे ये है बेसिक सा रेयॉन का कुर्ता, फ्रंट एंड बैक साइड आप देख सकते हो, बट इसमें जो खेल है इसमें जो डिटेलिंग है वो मस्त ये लेस की है, वाइट लेस की जो कि फ्रंट साइड में एंड बैक साइड में दोनों साइड में आपको जो है ना मिलती है, बहुत ही प्यारा लुक देती है। फैब्रिक एकदम बेसिक है इसका। इसके साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये बॉटम जो कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ट्राउजर रहेगा, रेयॉन का है, बेसिक फैब्रिक है, क्वालिटी ओके ओके आपको मिल जाती है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर बाय कर सकते हो। साइज मैंने लिया है इसमें एक्सेल। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ये भी हमारा कॉटन रेयॉन ब्लेंड फैब्रिक में आएगा, प्रिंटेड कुर्ता सेट है। सो यहाँ पे आपको स्ट्रेट कट में ये प्रिंटेड कुर्ता मिल जाएगा, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलता है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको जो है ना प्रिंट मिलता है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, आप इसको आराम से घर पे धो सकते हो, पहन सकते हो और ट्रांसपेरेंट नहीं है, सब सेट को आप जो है ना घर पे इजीली रेगुलर वॉश कर सकते हो, क्वालिटी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। साइज मैंने इसमें लिया हुआ है एक्सेल। इसके साथ में आपको मिलता है कुछ इस टाइप का प्रिंटेड एंकल लेंथ बॉटम वेयर, फ्लेयर इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, कंफर्टेबली आप पहन सकते हो इसको,
इलास्टिक आपको काफी सही मिलता है। इसके साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे इसका दुपट्टा, जो कि कुछ इस टाइप का प्रिंटेड दुपट्टा रहेगा और काफी अच्छी क्वालिटी का ये प्रिंटेड सा आपको दुपट्टा मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, आपको काफी पसंद आने वाले हैं। नेक्स्ट जो आउटफिट मैं शेयर करने वाली हूँ ये रहेगी हमारी व्हाइट कलर में ड्रेस, जो कि एक मीडियम लेंथ की ड्रेस है। मीडियम नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा शॉर्ट ड्रेस आएगा ये। तो इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा नेक पे और स्लीव्स पे एंड पूरी ड्रेस पे, इवन आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा। कॉटन रेयन ब्लेंड फैब्रिक में आता है ये, अंदर आपको लाइनिंग लगाया हुआ मिल जाता है, तो कंफर्टेबली आप इसको वेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, तो क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है इसकी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। अगर वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल रही आप सबके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।